बाजारों में लौटने लगी रौनक। पालिका दस्ते ने की कार्रवाई करीब दो माह बाद अब दोबारा लालसोट के बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। कर्फ्यू हटने के दूसरे दिन सोमवार को भी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाजार आम दिनों की तरह खुले। सोमवार को रविवार के मुकाबले अधिक भीड़ रही, लेकिन अधिकांश दुकानदार व ग्राहक मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर पालिका के ईओ नवरत्न शर्मा ने बताया कि इस दौरान बाजारों में भीड़ अधिक नहीं हो, इसके लिए पालिका के कर्मचारी भी तैनात रहे और पालिका दस्ते ने पुरानी अनाज मंडी व जवाहरगंज क्षेत्र में खड़े चौपहिया वाहनों की हवा निकाली और उनके खिलाफ जुर्माना वसूली की कार्यवाही भी की। दो माह बाद आज से कृषि उपज मंडी में कामकाज होगा शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग व एडवाइजरी का करना होगा पालन। कोरोना संक्रमण के चलते शहर में पहले जारी लॉकडाउन व उसके बाद जारी कर्फ्यू के चलते ठप पड़ी लालसोट कृषि उपज मंडी में मंगलवार से दो माह बाद दोबारा काम शुरू होगा। यह जानकारी देते हुए ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नवल झालानी ने बताया कि मंडी में मंगलवार से कामकाज शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मंडी में जिंस लाने का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है और सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 तक नीलामी होगी। वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी समिति की सचिव ममता गुप्ता ने बताया कि सभी व्यापारियों, किसानों व पल्लेदारों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान पर हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। राशन डीलरों की मनमानी को लेकर राज्यसभा सांसद को दिया ज्ञापन। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के दौरान राशन सामग्री की कालाबाजारी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लालसोट विकास मोर्चा अध्यक्ष शिव शंकर जोशी, रूप मकेश मीना, मुकेश रामगढ़, हंसराज मंडावरा एवं विकास गौतम समेत कई कार्यकर्ताओं ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान भी कई राशन डीलरों द्वारा राशन सामग्री की जमकर कालाबाजारी की जा रही है, जिससे गरीबों का शोषण हो रहा है। ज्ञापन में जरूरतमंदों को पर्याप्त राशन सामग्री दिलाने व ऐसा कृत्य करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आयुक्त ने गौशाला में दिया 61 क्विंटल चारा। उपखंड के डिडवाना कस्बा स्थित भूतेश्वर गौशाला में गौवंश के लिए चारे के संकट को दूर करने के लिए दौसा नगर परिषद के आयुक्त सुरेंद्र सिंह मीना ने 61 क्विंटल चारा भेजा है। यह चारा सोमवार सुबह गौशाला पहुंचा तो गौशाला में गौवंश की देखरेख करने वाली गौ रक्षा कमांडो फोर्स के कार्यकर्ताओं ने भी खुशी जाहिर की। इस मौके पर राकेश मेड़ीवाला, रमेश जालवाला समेत कई गौ सेवक भी मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों ने किया सम्मान। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित मीना नेतृत्व में युवाओं ने शनिवार रामगढ़ पचवारा पुलिस थाना में पुलिस कार्मिकों का सम्मान किया। इस मौके पर युवाओं ने रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी अशोक झा झड़िया सहित समेत सभी पुलिस कर्मियों को फूल माला पहना एवं गमछा ओढ़ा सम्मानित किया गया। इस मौके पर रोहित मीना ने बताया कि इस कोरोना संक्रमण के दौरान समय जब सब लोग अपने घरों में हैं, इस दौरान ये कोरोना योद्धा अपने घर परिवार से दूर हम सब की सुरक्षा व बचाव के लिए लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं।